ये मैंने इसमें पाया मंगाया है और ये मैंने पराठा पकाया है और एक ही मैंने मिरिंडा। देखो इस वाले होटल पे खाना खाना मैं आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है इनका। और जो होटल है वो लोग गुमराह करते हैं, हरम में ज्यारत करके बिल्कुल थक चुका हूँ और पैरों की जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई। हकीकत बताओ ना आपको, बहुत बुरी मेरी हालत हो गई। दो आपे जमजम के होटल मैंने लिए हैं, एक तो रूम भी काफ़ी दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं कह सकते और पास भी नहीं कह सकते, और आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा कि देखो सोना पे मिलता ही नहीं है उम्र पे। और दूसरी बात यह है कि सोना भी नहीं मिलता है, सोना तो मिलता ही नहीं है, खैर कुछ टाइम के लिए सोना मिलता है क्योंकि फिर ज़्यादा करने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद में बदन जो है ना पूरा बेकार हो जाता है। अभी यहाँ पे होटल में आया हूँ, पाकिस्तानियों का होटल है, रात भी खाना खाया था पाकिस्तानियों के होटल पे, लेकिन रात नहीं एक बाजू को खाया था उस पर बांग्लादेशी लिखा हुआ था और पाकिस्तानी लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह मेरे तौबा कहना नहीं चाहिए, ये खाना है वो रिस्क है कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खाने में। अभी देखो दूसरे होटल में आया हूँ मैं यहाँ पर, अभी सेकेंड फ्लोर पर आके बैठा हूँ, अभी मैंने पाया ऑर्डर किया है, मैं दिखाऊँ आपको कि ऊपर का म्यूट चेस है और रेट लिस्ट में आपको इसकी दिखाऊँ, ये रेट लिस्ट है सारे खाने की। ठीक है ना, और इंशाल्लाह दिखाता हूँ मैं आपको क्या खाते बुलाया मैंने। ये तो ऑर्डर ये मैंने इसमें पाया बुलाया है और ये मैंने पराठा पकाया है, अभी ये पराठा खा के देखूँगा अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रोटी मंगा लूँगा, लेकिन शक्ल तो मुझे पाई की अच्छी लग रही है, तो भूख लग रही है बहुत तेज। भैया सलाद वगैरह नहीं है? अच्छा अच्छा, वो कहता है कि वो दोपहर के टाइम मिलते हैं और एक ही मैंने मिरिंडा। अभी जो साथ वाले थे ना वो सारे सब ज्यारत कर रहे थे रतुल बकी की, तो इसलिए अभी साथ में कोई नहीं है, अकेला हूँ। खा के अपने टेस्ट करके बताते होगी मैं कैसा है, चूँकि रात में तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, खाने में उम्मीद अच्छी की है। माशाल्लाह इसका अच्छा टेस्ट है। रात में सही में उस पर लिखा हुआ था बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों का खाना मेरे को मालूम है कि थोड़ा उनमें नमक भी ज़्यादा रहता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। अच्छा हम जो इंडियन हैं, हमें या तो इंडियन को खाना पसंद आएगा नहीं तो हमें पाकिस्तानी को खाना पसंद आएगा, बांग्लादेशियों को खाना हमें पसंद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क है, वो भी अच्छा बनाते हैं, वो अपने हिसाब से अच्छा बनाते हैं। देखो हर कंट्री का अपना एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है ना, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर है कि सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी है वो मिर्च बहुत खाते हैं, लेकिन जो हम इंडियन हैं हमें अगर मिर्च ना मिले तो हमें मज़ा ही नहीं आता, वैसे हर कंट्री का अपना अलग मिजाज होता है। वैसे हमें जो है खाना जो अच्छा लगता है या तो अपने इंडियनों को लगता है ना तो पाकिस्तानियों को लगता है, क्योंकि वो हम जैसा ही खाना बनाते हैं। चलिए खाना ख़त्म करता हूँ फिर बात करो। तो जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था माशाल्लाह खाने में इनके मज़ा आ गया, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मदीने के अंदर मस्जिद नबी के पास में जो है ना अपोजिट में जो मस्जिद है एक मस्जिद बिलाल, उसकी साइड में जो होटल हैं बहुत सारे उस जिन पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लिखा हुआ है ना उन होटलों पे मत आना। अब ये जो इनका होटल है बाहर का मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो आपको बोर्ड बाहर का देखो इस वाले होटल पे खाना खाना मैं आपको बता रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है इनका, ये मैंने बाहर से आपको बोर्ड दिखा दिया, माशाल्लाह जब भी आप आओ तो इस वाले होटल में खाना खाओ बिल्कुल आपको जो अच्छा खाना मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया और जो होटल हैं वो लोग गुमराह करते हैं, खाना अच्छा नहीं देते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं और माशाल्लाह खाने में जो है ना बिल्कुल अपना इंडियन वाला मज़ा है। ठीक है चाहिए रेड लिस्ट मैंने आपको दिखा भी दी, ठीक है ना, रेड लिस्ट दिखाई, तो फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिसपे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लिखा हुआ है उन होटलों पे बिल्कुल भी खाना मत खाना, क्योंकि वहाँ पे जो है बांग्लादेशी भाइयों के लिए खाना है
और आपको मालूम है देखो हर कंट्री का जो है ना अलग टेस्ट होता है। यहीं पे ही साइड में यह मस्जिद है, मस्जिद जो बिलाल है उसके साइड में ये होटल है, तो जब भी आप आओ तो अपना इधर आओ और इधर आके इंशाल्लाह खाना खाओ, ठीक है? ओके, चलिए मैं चलता हूँ होटल।